हाय ऑल, मैं आप सबके लिए एक ऐसा सेशन लेके आई हूँ जिसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा कोई भी एसक्यूएल कमांड या फिर डीडीएल कमांड, आपके टेबल को क्रिएट करने के लिए, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए या फिर टेबल को ड्रॉप करने के लिए। तो बिना आप कमांड्स लिखे भी कर सकते हैं एसक्यूएल वर्क बेंच में ये सारे डीडीएल काम। तो हम चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है कस्टमर, जो कि डेटाबेस है आपका, और उसके अंदर टेबल्स है। किसी टेबल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और आप देखेंगे कि क्रिएट टेबल है और यहाँ पे है टेबल नेम। टेबल नेम को चेंज कर दीजिए, दैट इज एम्प्लॉय रख देंगे हम टेबल का नेम। आप देख सकते हैं कॉलम नेम है, डेटा टाइप है और सारे कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे डिफाइंड है, दैट इज प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, नॉट नॉल कॉन्स्टेंट, यूनिक इंडेक्स, बाइनरी कॉलम, देन यूएन दैट इज अनसाइंड डेटा टाइप एंड ZF। अगर आपका कॉलम न्यूमरिक है तो सारे कॉलम्स में जीरो फिल करना है अगर इसे चूज करेंगे। ऑटो इंक्रीमेंटल जी इज जनरेटेड कॉलम और डिफॉल्ट एक्सप्रेशन है। तो आप कॉलम नेम के नीचे क्लिक कर दीजिए, दैट इज BMP ID हम रख देते हैं कॉलम का नाम। यहाँ पे इंट डेटा टाइप ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इसको हम क्या करेंगे, चेंज भी कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। नहीं तो यहाँ पे आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो वैसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी की चूज कर लिया है, ये एक नॉट नल कॉन्स्टेंट भी है। तो यहाँ पे आप और एक कॉलम का नेम दे दीजिए, दैट इज EMP name, और यहाँ पे वैकल चूज हो गया है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, उसका रेंज दैट इज 425, और इसे नट नॉल कॉन्स्टेंट डिफाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे और एक नंबर देते हैं, सॉरी कॉलम देते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर वैकल है, इसे चूज करके आप इंट भी कर सकते हैं तो इंट कर दीजिए। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे इसे 11 एज अ रेंज, 10 करते तो 9 नंबर्स ही हमारे उस कॉलम में इंसर्ट हो पाते, 11 करेंगे तो 10 नंबर्स इंसर्ट हो जाएंगे। तो ये इसको यूनिक हम रखते हैं, और एम्प्लॉय आईडी को हम चाहे तो AI दैट इज ऑटो इंक्रीमेंटल रख सकते हैं। तो फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर यूनिक हो और नट नॉल कॉन्स्टेंट भी डिफाइन कर दीजिए। एज हम लेंगे और एक कॉलम, और ये वैकर है तो वैकर से चेंज करके इंट कर दीजिए, और इंट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नट नॉल कॉन्स्टेंट को चूज कर दीजिए और इसे अप्लाई कर दीजिए। और आप देख सकते हैं जो कमांड्स आपको लिखना था वो कमांड्स इस सिस्टम ने लिख दिया है आपके लिए, तो आपको कोई कमांड नहीं लिखना पड़ा। और इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं चाहे तो। फिर उसके बाद इसे अप्लाई कर लीजिए और फिनिश, एग्जीक्यूट हो गया आपका कॉलम, सॉरी टेबल। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा टेबल कैसा दिख रहा है। तो एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे जनरेट हो गया है, हम देख सकते हैं हमारे जो टेबल्स हैं कैसे दिख रहा है और सारे जो कॉलम्स हैं कैसे डिफाइंड है। यहाँ पे हम अपने जो नल लिखा है उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में 1 लिख देंगे, फिर नेम जो है वो राज रख देते हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर हम दे देते हैं, ये हो गया हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, और एज जो है 23 रख देते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे हम कुछ नहीं रखेंगे, और यहाँ पे हम रानी रख देते हैं एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 23 जो एज है तो यहाँ पे 33 रख देते हैं, और रानी में हमने एम्प्लॉय आईडी नहीं दिया है, इस कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंटल डिफाइन किया है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है कि नहीं हम ये देखेंगे। अब अप्लाई कर दीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट स्टेटमेंट इस सिस्टम ने लिख दिया है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो चेंजेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अब हम अप्लाई कर लेते हैं, और एरर आया कि हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो वहां पे हमारा रेंज जो है वो आउट ऑफ रेंज हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर डिलीट कर लीजिए ताकि ये 10 हो जाए, अप्लाई कर लीजिए। अब चेक करते हैं, हाँ ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। देखिए रानी में हमने एम्प्लॉय आईडी में कुछ भी नहीं डाला था तो यहाँ पे अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, तो ये ऐसा ऑटो इंक्रीमेंट काम करता है। अब चाहे तो एम्प्लॉय टेबल को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं,
या फिर ऑर्डर टू टेबल को हम ड्रॉप कर लेते हैं। राइट क्लिक कीजिए जिस टेबल को आप ड्रॉप करना चाहते हैं और ड्रॉप, और यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं आपके एसक्यूएल कमांड को ताकि कोई गलत टेबल डिलीट ना हो, इसे एग्जीक्यूट कर लीजिए। तो ये हमारा जो टेबल था ऑर्डर टू टेबल वो डिलीट हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। आप एम्प्लॉय टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं तो इसीलिए एम्प्लॉय टू टेबल से हम कुछ सारे जो रिकॉर्ड्स है उसे डिलीट करेंगे, मतलब कि ट्रंकेट टेबल। तो रिव्यू कर सकते हैं आप, तो ट्रंकेट कस्टमर जो कि डेटाबेस है एम्प्लॉय टेबल से सारे जो रिकॉर्ड्स है वो अब डिलीट हो जाएंगे एग्जीक्यूट। अब हम एम्प्लॉय टेबल में जाके देख सकते हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है कि नहीं। आप देख सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे बिना कमांड लिखे भी आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं आपका टेबल, सारे रिकॉर्ड्स को ट्रंकेट कर सकते हैं और एक टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं। ये है आपके लिए एक टिप। अगर आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं मैन्युअली विदाउट राइटिंग ए कमांड और आप दे रहे हैं प्राइमरी की नहीं लगा रहे हैं किसी भी कॉलम में, तो आपका क्या होगा, तो कैसे डेटा इंसर्ट होगा, चलिए देखते हैं। तो अप्लाई कर लेते हैं इसको। फिर अप्लाई कर लिया हमने, टेबल तो क्रिएट हो गया एम्प्लॉय वन टेबल। फिनिश कर दीजिए एम्प्लॉय वन टेबल। तो अब हम देखेंगे, तो टेबल में जाके देखते हैं सारे कॉलम्स। तो कॉलम्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डेटा इंसर्ट करने के लिए नहीं दिखा रहा है कि आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा चेंजेस करेंगे। हम एम्प्लॉय आईडी में प्राइमरी की ऐड कर लेते हैं इसको और अप्लाई कर लेते हैं, और अप्लाई कर दीजिए फिनिश। तो आप अब जाके एम्प्लॉय वन टेबल में देखिए तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आप ऐड कर सकते हैं या फिर इंसर्ट कर सकते हैं आपके रिकॉर्ड्स। तो अगर प्राइमरी की नहीं डिफाइन किया है तो आप मैनुअली इंसर्ट नहीं कर सकते रिकॉर्ड्स, आपको उसके लिए एसक्यूएल कमांड लिखना पड़ेगा।